हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इस टेबल में हम टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट की साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लीजिए। यहां पर मैं न्यू फाइल चूज कर लेता हूं। यहां पर हमें कोडिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें लिखना है एचटीएमएल, देन लिखना है हेड, देन लिखना है टाइटल, और टाइटल में दे देंगे टेक्स्ट साइज एंड कलर। ओके, so don't be confused about the spelling of color. The American, in American English, the spelling of color is color. So we use mostly British English. We are Indians, you know, and we use mostly British English. So in British English, the spelling of color is color. So इसमें आप confused मत होइएगा। यहाँ पर title की spelling लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर title tag को close कर दिया हमने। Then आइए body पर। बॉडी पे आप अगर कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से कलर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं कोई कलर नहीं लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखना है आपको पैराग्राफ स्टाइल, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए कलर, सी एल ओ आर, कलर की स्पेलिंग यही रहेगी। कौन सा कलर लगाना चाहते हैं, सपोज कीजिए रेड लगाना चाहते हैं तो यहाँ रेड दे दीजिए, और रेड देने के बाद यहाँ पे कर दीजिए इसको टर्मिनेट, ठीक है। और टर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे करते हैं हम फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, ओके, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज जो भी देनी है आपको यहाँ से दे सकते हैं हम, तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं 120 पिक्सल, ओके, पिक्सल इज द यूनिट, इज द मेजरमेंट, ओके, ऑफ टेक्स्ट साइज। सो अब यहाँ पे लिखना है हमें, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ कंप्यूटर एंड, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड एक्सेल सॉल्यूशन, तो ये काफी बड़े में दिखाई देगा, और इसका कलर जो होगा क्या होगा, रेड होगा। मैं इसको और भी इंप्लीमेंट इसमें करके आपको दिखाता हूं अभी, पहले इसको देख लें। फिर यहां से पैराग्राफ को क्लोज कीजिए, देन बॉडी को क्लोज कीजिए, देन एचटीएमएल को क्लोज कीजिए, और इसको सेव करना है आपको डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन के साथ, ये आपको जरूर याद रहे। तो यहां पे जाइए और यहां पे लगाइए, जैसे मैं फॉन्ट डाल देता हूँ, डॉट एचटीएमएल आगे कर देंगे हम, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप ही चूज रखेंगे हम, और यहाँ से इसको सेव करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं इसको, यहाँ से रन करवाते हैं। फॉन्ट नाम था, डबल क्लिक कीजिए यहाँ से, तो यहाँ से आपको ये प्रोग्राम दिख जाएगा, और ये रेड कलर में काफी बड़े साइज में दिख रहा है। इसकी साइज जैसे ही हम छोटी करेंगे तो ये छोटा भी हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं इसको। यहाँ फॉन्ट साइज हमने 120 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको 80 कर दें तो क्या होगा, साइज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से, और देन इसको रन करता हूँ, ये जो रन हुआ है इसको यहाँ से, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये साइज छोटी हो चुकी है, ठीक है। इसमें कलर भी कुछ इंप्लीमेंटेशन हम करते हैं, कलर में भी कुछ चेंजिंग करते हैं, तो आइए देखते हैं कलर में कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। यहां तक हम चाहते हैं कि रेड कलर में आए, ठीक है। तो यहां पैराग्राफ को मैं कर देता हूं क्लोज, फिर यहां स्टार्ट करता हूं, पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू कलर color, और कलर कौन सा लगाएंगे हम, जैसे ब्लू कर दिया हमने ब्लू, ठीक है, और यहां से कर देंगे इसको टर्मिनेट, और टर्मिनेट करने के बाद यहां पर देंगे फॉन्ट साइज, तो यहां लिखता हूं फॉन्ट साइज, ओके, फॉन्ट साइज, तो यहां दे देता हूं मैं 50 पिक्सल। ये थोड़ा और भी छोटा होगा, पहले वाले से और भी ज्यादा छोटा होगा ये, तो ये कर दिया हमने 50 पिक्सल, ओके, और यहां से कर दीजिए इसको क्लोज, ठीक है। और क्लोज करने के बाद आपको आना है साइड में, यहां पे कहां तक आप रखना चाहते हैं इसको, जहां तक आप रखना चाहते हैं वहां तक रखिए, और इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये हमारा यहां पे देखिए मैंने ऑलरेडी क्लोज कर रखा है पहले से, इसको सेव करते हैं हम डायरेक्टली, और सेव करने के बाद इसको अब रन करवाने की बारी है, तो यहाँ से रन करवाते हैं। तो देखिए इसको, तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है अलग कलर में आ रहा है, और यहाँ पे ये अलग कलर में आ रहा है। इस तरीके से फॉन्ट साइज हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बहुत ही इजी। तो आई होप कि ये एचटीएमएल की वीडियो बहुत ही, जो कि बेसिक वीडियो है, ये आपको जरूर समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।